Subscribe and press the bell icon for latest update. गलियारों में हलाकान पैदा कर दिया है, वो मुद्दा, वो खबर जुड़ी है कुमार विश्वास से। जी हाँ, फिर से कुमार विश्वास चर्चाओं में आए हैं। फिर से कुमार विश्वास ने बयान दिया है सीएम केजरीवाल को लेकर, और फिर से उनके बागी तेवर नजर आए हैं, और फिर से कुमार विश्वास ने बता दिया कि मैं विश्वास हूँ और केजरीवाल हो। यानी कि कुमार विश्वास ने अब फिर से, जिस तरह से बीते दिनों राज्यसभा की सदस्यता को लेकर मतभेद सामने उभर कर आए थे केजरीवाल और कुमार विश्वास में, लगातार पार्टी में अंतर्कलह का दौर चल रहा था, और उसी के एक सबसे बड़ा यूटर्न, सबसे बड़ा विस्फोट कहूँ तो वो था 20 विधायकों की मेंबरशिप को लेकर, विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। ये सबसे बड़ा यूटर्न था। आम आदमी पार्टी के सितारे इन दिनों बड़े ही गर्दिश में चल रहे हैं, ऐसा मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हालांकि केजरीवाल अपना सब्र का बांध टूटने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने अपना सब्र बनाए रखा है, और साफ साफ वो कह रहे हैं कि ईमानदारी से काम करने की ऐसी ही सजा मिलती है, लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है। यानी कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो इस संकट से उभर लेंगे, लेकिन संकट से उभर तो लेंगे, लेकिन उनके सामने बहुत सी कठिनाइयां, बहुत सी चुनौतियां हैं, क्या उससे निपट पाएंगे। इसी बीच जब उनकी पार्टी के नेता ही उनको हाशिए पर ले रहे हैं, अपनी ही पार्टी के नेताओं की तरफ से हाशिए पर आ रहे हैं कुमार विश्वास, ऐसा नहीं कि पहले कभी उन्होंने केजरीवाल की खिलाफत नहीं की है। जब उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया तो साफ साफ उन्होंने बोला, शहीद तो कर दिया, शव से छेड़छाड़ मत करना, ये साफ साफ उनका बयान केजरीवाल को लेकर था। उन्होंने साफ साफ केजरीवाल को संकेत दे दिए कि भले ही मुझे आपने विश्वास अविश्वसनीय साबित कर दिया, आपने आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, लेकिन आप इस गफलत में मत रहना, इस सोच में मत रहना कि विश्वास अब आपके साथ होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी से वो इस्तीफा दे देंगे, राजस्थान के प्रभारी उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां पर कोई अस्तित्व ही नहीं आम आदमी पार्टी का नजर आ रहा है। क्या आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, क्योंकि 29 जनवरी को उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इससे साफ मालूम हो रहा है कि राजस्थान पे अभी आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस है ही नहीं, और साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है उससे पहले कोई रणनीति बना ले, क्योंकि कुमार विश्वास के ऊपर पूरा जिम्मा है, और कुमार विश्वास से ही केजरीवाल की नहीं बन रही है। तो ऐसे में राजस्थान में क्या होगा आम आदमी पार्टी का, फिलहाल ये तो अभी देखने वाली बात है। लेकिन अगर बात करें मुद्दे की, तो मुद्दे की बात है, कुमार विश्वास ने फिर से बयान दिया है केजरीवाल को लेकर, और उन्हें चंद्रगुप्त कह दिया है, और साथ ही उनके जो बयान है, उनका जो लहजा है, वो फिर से बागी तेवरों की तरह, बागी नेता की तरह सामने आया है। भले ही वो पार्टी में है, भले ही वो पार्टी के अनुसार काम कर रहे हैं अपने, लेकिन उनके बयान साफ साफ बता रहे हैं कि वो चाहे कुछ भी पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले ले, आला कमान कुछ भी कर ले, वो टस से मस नहीं होने वाले, बोलेंगे वही जो उनकी इच्छा है, और उसके अलावा वो कुछ नहीं बोलेंगे। और उन्होंने साफ साफ जो बयान अभी दिया है, वो बयान अभी मैं आपको बताऊंगी कि बयान क्या दिया है, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि इंसान जो उनका बयान है, अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो उनका कहने का मतलब है कि चाहे आप जितने भी बड़े हो जाओ, चाहे आप जितने शहंशाह बन जाओ, लेकिन आप जिसकी बदौलत बने हो, अगर उसको आप भूल गए तो समझिए आपका सर्वनाश तय है। क्योंकि अगर कोई इंसान धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा शख्स जरूर आता है जो उसको सफलता के मुकाम तक पहुंचाने में उसकी सहायता करता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका उसकी सफलता में उसका अहम योगदान होता है। हालांकि सारी कठिनाइयां वो इंसान ही झेलता है जो सफलता के मुकाम पर होता है, लेकिन कोई ना कोई उसको शख्स, ऐसा इंसान जिंदगी में मिलता है जो उसको सही और गलत की परिभाषा बताता है। कुछ यही कुमार विश्वास ने भी कहा है केजरीवाल को लेकर। उनके बयान से साफ साफ मालूम हो रहा है कि केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये इस बात का वो गुरूर हो गया है कि जो हूँ मैं ही हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कुमार विश्वास, ऐसा कई बार केजरीवाल पर आरोप लग चुका है कि वो अपने से कमतर सबको आंकते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी बराबरी पे कोई आके खड़ा हो। शायद यही वजह थी कि कुमार विश्वास पार्टी के संस्थापकों में शामिल है, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण भी शामिल थे, लेकिन दोनों को पार्टी से उन्होंने बाहर कर दिया, मुखालफत की थी दोनों ने उनके फैसलों की, उनकी नीतियों की, जिसके बाद परिणाम स्वरूप ये हुआ कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव बाहर चले गए पार्टी से। अब उन्होंने नई पार्टी का निर्माण कर लिया है, तो ऐसे में अब ये सोचने वाली बात है कुमार विश्वास
पार्टी में है। कहा जा रहा था कि कुमार विश्वास से सवाल पूछा मीडिया ने कि क्या पार्टी में बने रहेंगे या पार्टी छोड़ देंगे, हालांकि उन्होंने डिप्लोमेटिक इस पर जवाब दिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ बता दिया कि पार्टी में रहकर ही लड़ाई लड़ूंगा, यानी कि पार्टी से उनका जाने का कोई मतलब नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो कोई अच्छे अवसर की ताक में हों, कि कोई अच्छा उनको अवसर मिले और फिर वो मौके पर चौका मारे। अभी अच्छा अवसर क्या हो सकता है, राजस्थान विधानसभा चुनाव हो सकता है या अगले साल लोकसभा चुनाव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर वो अभी एक समय दे रहे हो केजरीवाल को कि अब वो शायद उनके बारे में सोचे, अब वो शायद उनके बारे में सोचे, लेकिन शायद केजरीवाल अब इस मोड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे कि वो विश्वास के बारे में कुछ सोचेंगे, क्योंकि जिस तरह से 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हुई है, ऑफिस प्रॉफिट का मामला है, लाभ के पद का मामला है, उस पर वो इतने घिर गए हैं केजरीवाल कि अब उनकी पार्टी जो सत्ता जो सरकार है उनकी वो संकट में नजर आ रही है दिल्ली में, और इस वजह से केजरीवाल को अब मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल अविश्वास को कुछ ज्यादा ही भाव देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने विश्वास के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन जो उनके सिपा सलार हैं जो गोपाल राय हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि विश्वास ने बीजेपी का पक्ष रखा है, पार्टी की खिलाफत की है, पार्टी के नियम कानून के अनुसार वो चले नहीं है। हालांकि विश्वास ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि मैंने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए हैं जिसकी मुझे सजा मिली है कि मुझे राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है, यानी कि और गोपाल राय ने यह भी कहा था कि उन्होंने हमेशा ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उन पर शुरुआत में हमें बहुत विश्वास था कि विश्वास को राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि विश्वास राज्यसभा भेजने के लायक हैं, और उनको भेजने का हमने मन भी नहीं बनाया। और तीन नेताओं के नाम सामने आए थे राज्यसभा भेजने के लिए, जो सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता और संजय सिंह, तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि अब ये एक तस्वीर थी जो बीते साल से चलती हुई आ रही थी कि क्या राज्यसभा में कौन जाएगा, कुमार विश्वास जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तस्वीर जैसे ही साफ हुई तो दूसरी तस्वीर आ गई कि अब 20 विधायकों की सदस्यता रद्द हो गई है। अब ऐसे में केजरीवाल संकट से कब तक उभरेंगे ये नहीं पता, लेकिन आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के सितारे बहुत ज़्यादा गर्दिश में हैं। अब वो सितारों को कैसे चमकता हुआ बनाते हैं, कैसे उनको इस समस्या से बाहर निकालते हैं, फिलहाल ये तो अब आने वाले दिनों में मालूम होगा। लेकिन कुमार विश्वास ने इस पर कहते ना आग में घी डालने का काम कर दिया है, मतलब जले पर नमक छिड़क दिया है अरविंद केजरीवाल की, और उन्होंने बोला और अरविंद केजरीवाल को चंद्रगुप्त कहा है, जबकि चाणक्य की तुलना उन्होंने अन्ना हजारे से कर दी है। उन्होंने बयान दिया है कि बीते 5 सालों में जितने भी नेता हुए हैं, यानी कि वो अपनी पार्टी को लेकर बोले थे, हालांकि उनके बयान से सिर्फ पार्टी को लेकर ही ज़्यादा निष्कर्ष निकल रहा है कि जितने भी नेता हुए हैं उनकी जो जन्मभूमि है वो रालेगांव सिद्धि है, यानी रालेगांव सिद्धि यानी कि अन्ना हजारे का वो स्थान है, अन्ना हजारे वहाँ रहते हैं, तो ऐसे में उनका सीधा सीधा उन्होंने अन्ना हजारे की तरफ इशारा किया है। और इसके साथ ही आपको ये अहम जानकारी दे दूं कि अन्ना हजारे बहुत जल्द आंदोलन करने वाले हैं दिल्ली में, जैसा कि उन्होंने मनमोहन सिंह के यूपीए के कार्यकाल में किया था, एनडीए के कार्यकाल में करने वाले हैं, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, और अन्ना हजारे अब दिल्ली आएंगे और पीएम मोदी के खिलाफ हुंकार भरेंगे, उनकी नीतियों के खिलाफ हुंकार भरेंगे। लेकिन इस बार अन्ना हजारे ने कह दिया कि अपने मंच में किसी भी सियासी नेता को साझा करने के लिए इजाजत नहीं देंगे, जैसा कि उस वक्त देखा गया था जब यूपीए सरकार के दौरान उन्होंने आंदोलन किया था, तो वहां से केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास ऐसे नेता निकले थे। आज केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी बना ली उन्होंने, उसके बाद अन्ना हजारे से उनकी नाराजगी भी देखी गई। कई बार अन्ना हजारे ने डिप्लोमेटिक तौर पर या साफ साफ तौर पर भी कह दिया था कि वो उनका केजरीवाल से बधाई देते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी साफ थी कि उनके मंच का उपयोग किया गया पार्टी को बनाने के लिए। अब कुमार विश्वास भी अन्ना हजारे के पक्ष में नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ साफ हल्ला बोला है केजरीवाल के खिलाफ और कहा है कि चंद्रगुप्त तो कहाँ चले गए किसी को पता नहीं, लेकिन चाणक्य की बातें आज भी लोग याद करते हैं। मैं आपको बयान दिखाऊंगी, उससे आप समझ सकते हैं कि कुमार विश्वास ने केजरीवाल को कैसे आड़े हाथों लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ बोला है विश्वास ने याद दिलाया है कि पिछले 5 सालों में राजनीति में जितने भी चंद्रगुप्त पैदा हुए हैं उनकी जन्मस्थली रालेगांव सिद्धि है, लेकिन चंद्रगुप्तों को याद रखना चाहिए कि चंद्रगुप्त तो मिट गए लेकिन चाणक्य आज भी हैं। और आपको बता दूं रालेगांव सिद्धि से अन्ना हजारे को याद किया है, जो इसी सप्ताह दिल्ली में दोबारा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। चलिए, आंदोलन की बात तो बाद में होती रहेगी, लेकिन अगर बात करूं कुमार विश्वास इस बयान की, तो आप देख सकते हैं अन्ना हजारे को उन्होंने याद किया है, साथ ही चंद्रगुप्त बोला है केजरीवाल को और चाणक्य बोल दिया है अन्ना हजारे को, यानी कि साफ साफ तौर पर उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधा है। हालांकि ये बात समझ में नहीं आती है, जब इतना बड़ा मामला सामने आ गया है
कुमार विश्वास और केजरीवाल के बीच में, केजरीवाल को उन पर विश्वास नहीं है और कुमार विश्वास भी अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधते हैं, तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते वो केजरीवाल का नाम लेकर कि केजरीवाल है मतलब आपने ऐसा क्यों किया, वो साफ तौर पर ना वो बोलते हैं मीडिया के सामने ना साफ तौर पर केजरीवाल बोलते हैं। हालांकि केजरीवाल तो चलिए संयोजक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं सोच रहे होंगे कि उनको बोलना चाहिए क्योंकि उनके पक्ष उनके उनके बिहाफ पर तो गोपाल राय बोल देते हैं, मनीष सिसोदिया बोल देते हैं, लेकिन कुमार विश्वास जो खुद ही अपना सारा झंडा बुलंद करते रहते हैं, हमेशा अपनी बात खुद रखते हैं, उनके पास उनके साथ कोई बोलने वाला नहीं होता, खुद ही अपनी सारी बातों को रखते हैं, तो ऐसे में वो साफ साफ क्यों नहीं बोलते, साफ कोई बातें क्यों नहीं करते, वो हमेशा डिप्लोमेट तरीके से कूटनीतिक तरीके से बात करते हैं। देखिए इसमें उन्होंने बोला तो है कि चंद्रगुप्त को याद रखना चाहिए कि चंद्रगुप्त मिट गए, लेकिन चाणक्य आज भी हैं, लेकिन चाणक्य आज भी हैं, चाणक्य का मतलब अन्ना हजारे से है, तो वहीं चंद्रगुप्त का मतलब केजरीवाल से है, तो यानी कि कुमार विश्वास चाहते क्या है, उन्होंने उनका साफ साफ मतलब है कि केजरीवाल का वजूद भी मिट जाएगा बहुत जल्द, ऐसा वो कहना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे कई और भी मायने हैं जो अभी वो स्पष्ट नहीं करना चाहते। हालांकि 20 सदस्यों की सदस्यता, जो विधायक है उनकी सदस्यता रद्द होने पर कुमार विश्वास ने बोला था कि उन्होंने केजरीवाल को समझाया था कि ऐसा कुछ भी मत करें, लेकिन उन्होंने उनकी बात की नाफरमानी की, जिसका रिजल्ट है कि अब केजरीवाल संकट में आ गए हैं। फिलहाल कुमार विश्वास वर्सेस केजरीवाल अब कब तक थमता है पार्टी के अंदर और कब तक दोनों के बीच सुलह सहमति होती है, होती भी है या नहीं, या फिर कुमार विश्वास इसी तरह हल्ला बोलते रहेंगे केजरीवाल के खिलाफ, या फिर कुछ और एक्शन लेगी, अब पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी, या वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो ऐसे वो नहीं तस से मस होंगे, उन्हें जो कहना वो कह के रहेंगे, पार्टी को जो एक्शन लेना है वो एक्शन ले, यानी कि वो चाहते कि पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले, वो पार्टी से नहीं जाएंगे, क्या वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या उनकी गतिविधियाँ इसी तरह इसी रास्ते पर जा रही हैं। फिलहाल अब तो देखना होगा कि जो बयान दिया है उस पर अब आप पार्टी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है और क्या अब उनके ऊपर कोई एक्शन होगा या फिर नहीं, या चुपचाप जैसे चलता आया है वैसा ही चलता रहेगा केजरीवाल और कुमार विश्वास के बीच में। फिलहाल दर्शकों आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर से एक अहम मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।